दिनों होली की धूम है। अबीर, गुलाल, रंग और मिठाइयाँ भले ही किसे नहीं पसंद होती होंगी, लेकिन रुद्रप्रयाग ज़िले के 3 गांव ऐसे हैं जो कई सालों से इन सभी चीज़ों से कोसों दूर हैं। वहाँ कई सालों से होली का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। इसका क्या कारण है? हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए चंद्रशेखर पुरोहित जी मौजूद हैं। सीधे उनसे बातचीत करेंगे। पुरोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद रोहित जी। क्योंकि रुद्रप्रयाग ज़िले के 3 गांव हैं जहां पर होली नहीं मनाई जाती है, क्या कारण है उसका? रुद्रप्रयाग ज़िले के 3 गांव हैं, कुरझण, कुइली और जोंदला, जो यहां रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से करीब 18-20 किलोमीटर दूरी पर है। लगभग ये गांवों की जो स्थापना है वो 300 साल के आसपास हो चुकी है। यहाँ पर ये मान्यता है कि होली का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। इसके कुछ स्थानीय कारण बताए जाते हैं। यहाँ पर एक हमारे भूम्याल देवता है, क्षेत्रपाल देवता, जिनको भेलदेव या भेलदेव कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि उनकी आज्ञा है कि इस क्षेत्र में होली नहीं खेली जानी चाहिए। बहुत पहले एक बार गांव के लोगों ने होली खेलने का प्रयास किया था, लेकिन होली खेलने के बाद तुरंत इन गाँवों में हैजा फैल गया और उससे बहुत सारी जानें चली गई। गाँव में बड़ा शोक का माहौल पैदा हो गया, लोग बड़े दुखी हो गए और उस समय देवी देवताओं के पास लोग पूछने जाते थे कि ये घटना क्यों घटी। तो वो क्षेत्रपाल जी के पास गए, उन्होंने कहा, महाराज, ये घटना हमारे यहाँ ऐसी क्यों हो गई? तो क्षेत्रपाल जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि देखिए, आपके इस क्षेत्र में होली खेलना नहीं चाहिए था, ये होली खेलने का दुष्परिणाम है, इसलिए भविष्य में आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। तब से लोगों ने होली खेलना बंद किया। काफ़ी समय के बाद फिर जब नई पीढ़ी आई तो नई पीढ़ी ने कहा कि भाई देखिए, ये तो अंधविश्वास भी हो सकता है, इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए फिर से होली का खेलने का। तो उन लोगों ने पुनः होली खेलने का प्रयास किया, फिर वही घटना हुई, गाँव में होली खेली गई। होली खेलने के बाद हैजा की बीमारी फैली और उसमें भी बहुत सारे लोगों की जानें चली गई और लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। लोगों की समझ में आया कि ये वास्तव में क्षेत्रपाल देवता ने जो कहा कि शायद वही बात हो रही है। वो फिर क्षेत्रपाल देवता के पास गए, उन्होंने कहा, महाराज जी, ऐसा क्यों हो गया? तो क्षेत्रपाल जी प्रकट हुए, अवतरित हुए, उन्होंने कहा कि देखिए, आपको होली खेलने के लिए वर्जित था, फिर भी आपने इसका पालन नहीं किया, तो इसलिए आपको इसका दंड मिला। आप इस गाँव में होली, इन 3 गाँव में होली नहीं खेलेंगे। कुछ लोगों की ये भी मान्यता है कि यहाँ पर जो नंदा देवी है या त्रिपुरा सुंदरी है, उसका दोष भी हो सकता है, इसलिए ये भी कुछ लोग मानते हैं, इस कारण ये भी मानते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों की मान्यता ये है कि जो क्षेत्रपाल भेलदेव देवता है, उनके आदेश के कारण होली यहाँ पर नहीं खेली जाती है। धन्यवाद। प्रोहित जी, जैसे जम्मू कश्मीर से आप लोगों का संबंध बताया जाता है, लगभग कब आप लोग यहाँ आए थे? हम लोग लगभग इस कुरझण गांव में, जो यहाँ का मूल गांव है पुरोहितों का, नागपुर क्षेत्र में 1750 के आसपास आए, सन 1750 के आसपास। और वैसे हम कुरझण गांव में भी, कोठा गांव है थराली ब्लॉक में, वहाँ से माइग्रेट होकर के आए थे। और कोठा गांव में हम जम्बू से आए हैं, ऐसा इतिहास बताता है कि हम लोग जब जम्बू से वहाँ राज परिवारों के यहाँ पूजा करता किया करते थे, इसलिए हमको यहाँ पर पुरोहित कहा जाता है। वैसे हमारी जातियाँ तो अलग हैं, वहाँ पर खजूरिया है, दुब्बा है, मल्होत्रा है, सुदन है, इस तरह की जातियाँ हैं, लेकिन यहाँ आकर के हमको पुरोहित कहा गया। और हम वहाँ के राजा की आज्ञा से और यहाँ चांदपुरगढ़ी के राजा की सहमति से देवभूमि उत्तराखंड में आए और उन्होंने हमको कोठा गाँव में स्थान दिया। वहाँ पर हम लोग पहले बसे और उसके बाद हमारा विस्तार हुआ। कुछ परिवार हमारे दसोली क्षेत्र में चले गए नंदप्रयाग की तरफ, कुछ वहीं बधाण क्षेत्र में रह गए और कुछ परिवार हमारे यहाँ नागपुर क्षेत्र में आ गए। तो आज भी नागपुर क्षेत्र में कुरझण, क्वेली, पाली, टेमना, सड़गू, कोटी, कांडे के दसजुला, सेमी, बहुत ऐसे गांव हैं यहाँ पर पुरोहित लोगों के हैं। तो अभी तक आपने सुना पुरोहित जी को, उन्होंने बताया कि क्या क्या कारण ऐसे हैं जिसके कारण वर्षों से उनका गाँव होली खेलने से कोसों दूर है। रुद्रप्रयाग से सोनिया मिश्रा की रिपोर्ट।